जदों जिंदगी आम रफ्तार नाल चलती है जिस विच कदे दुख कदे सुख आउंदे रहिंदे ने तां उदों गुरसिक्खी सारे ही निभाई जांदे ने ते अकाल पुरख ते विश्वास रखी रखदे ने। पर जिंदगी विच दो अजिहे वक्त आउंदे ने जदों गुरसिख दा सिक्खी सिदक परखिया जांदा है, एक बहुत दुख दे समें ते एक बहुते सुख दे समें। दोवां ही समयां ते अक्सर वेख्या गया है कि गुरसिख दा सिदक डोल ही जांदा है। जदों बहुता दुख आ जांदा है मनुख दी जिंदगी विच फिर उसदा अकाल पुरख ते विश्वास डावां डोल होण लग जांदा है। समझ नहीं आउंदी की कीता जाए, पर जे कोई गुरसिख पूरा विश्वास रखदा है अकाल पुरख ते तां फिर उसदी अकाल पुरख पैज जरूर रखदे ने। इस हालत विच सानू गुरबाणी पढ़नी चाहीदी है, होर कोई सानू दुखां तों छुटकारा नहीं दवा सकदा। दुखां नू जो सुखां विच बदल सकदा है वह अकाल पुरख ही है। एवें जने खने नकली संतां पास जाके सानू खज्जल खुआर नहीं होना चाहीदा। उस वेले नाम बाणी नाल जुड़ के अपने दुख का नाश करना चाहीदा। गुरु साहब जी जरूर कृपा करते ने। दूजे पासे जदों बहुत सुख मिल जाते ने, खुशियां मिल जांदियां ने, तां सानू दुनियावी सुखां विच मस्त हो के अकाल पुरख नूं ही नहीं भुलना चाहीदा। लगातार सुख दा आदि होया मनुख दुख नूं झल ही नहीं सकदा ते डिप्रेशन विच चला जांदा है। इस कारण करके ही गुरु जी ने इस संसारी सुख नूं रोग कहा। दुख दारू सुख रोग पिया जा सुख नाम होई। दुख इस करके दारू बन जांदा है क्योंकि इंसान अपने दुख तों छुटकारा पाउण लई अकाल पुरख नूं चेते करदा है, अते सुख इस करके रोग बन जांदा है क्योंकि इह अकाल पुरख तों सानूं दूर कर दिंदा है। पर जे कोई मनुख सुख विच वी गुरु नूं ना भुल्ले तां दुख कदे आउंदा ही नहीं। जो आनंद श्री सुखमनी साहब दे पाठ विच ओह किते होर झूठे संतां दे डेरियां दे नहीं मिल सकदा। इसलिए सुखमनी साहब जी दे पाठ नूं सुखां दी मणी कहा गया। गुरु साहब जी कृपा करन आपां सारे कुरबाणी नाल जुड़ के जीवन विच दुखां दा अंत करिए ते सुखां नूं घर लियाईए।